नमस्कार इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार आते ही नक्सलियों पर कार्रवाई का सिलसिला ताबड़तोड़ जारी है। 11 नक्सलियों की गिरफ्तारी के साथ ही नक्सली स्मारक को भी ध्वस्त कर इस बात का संदेश दिया गया है कि लाल सलाम को लेकर बीजेपी सरकार सख्त है और छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की सफाई के लिए कार्रवाई जारी है। मगर देखना यह है कि सरकार के अभियान का नतीजा धरातल पर कब तक दिखाई देता है। तो आज बीजेपी की कार्रवाई पर होगी बातचीत, लेकिन उससे पहले दिखाते एक रिपोर्ट। लाल सलाम को आखिरी चेतावनी, सीएम साई की लास्ट वार्निंग, प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, नक्सलियों को दिया जाएगा मुंहतोड़ जवाब, सुधर जाओ नक्सलियों वरना अब खैर नहीं। छत्तीसगढ़ की सत्ता में काबिज होते ही सीएम विष्णुदेव साय ने एक्शन मोड अपना लिया है। सीएम ने सत्ता संभालते ही नक्सल विरोधी अभियान को धार देने का काम कर दिया है, जिसका असर अब धरातल पर देखने को मिल रहा है। दरअसल सीएम के सख्त निर्देश के बाद पुलिस प्रशासन ने एक्शन तेज कर दिया है, जिसके तहत 11 नक्सलियों की गिरफ्तारी की गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद नक्सली गतिविधियों में तेजी आ गई थी। सत्ता में हुए बदलाव के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जवानों की शहादत को गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियान तेज करने के निर्देश दे दिए। उसके बाद सुरक्षा बलों ने सर्च अभियान चलाया और उसके चलते नक्सलियों की तलाश तेज की गई। नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत बस्तर अंचल से सुदूर इलाकों में एरिया डोमिनेशन और कॉम्बिंग शुरू कर दी गई है। बड़े पैमाने पर सर्चिंग की जा रही है। अभी लगातार नक्सल वारदात हुए हैं और अभी सरकार बदली है तो उनमें बौखलाहट भी है और इस तरह का कायराना हरकत नक्सली कर रहे हैं। आज हमने आकस्मिक बैठक लिया है सीएस और डीजी का और अधिकारियों का और सख्त निर्देश दिया है कि सरकार बदली है तो नक्सलियों के साथ लड़ाई में भी मतलब सख्ती दिखना चाहिए। वहीं सुकमा जिले के सालातोंग गांव के मध्य नक्सलियों की तरफ से बनाए गए विशालकाय स्मारक को पुलिस के जवानों की मौजूदगी में ध्वस्त कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक किरण चौहान के निर्देशन में एसीपी नक्सल ऑपरेशन प्रभात कुमार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस जवान सालातोंग गांव पहुंचे और गांव के बीच बने नक्सली स्मारक को जेसीबी के माध्यम से ध्वस्त कर दिया गया। पूरे जिले में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। प्रदेश की सत्ता बदली है तो अब नक्सलियों पर एक्शन धुआंधार हो रहा है और इशारों इशारों में लाल सलाम को सख्त चेतावनी दे दी गई है कि अब प्रदेश में किसी भी तरह का अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि सरकार का ये धुआंधार एक्शन कितने दिनों तक जारी रहता है और इससे लाल सलाम को शांत करने में कितनी कामयाबी मिलती है, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। लाल सलाम को आखिरी चेतावनी, सीएम साय की लास्ट वार्निंग, प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, तो आज नक्सलियों पर कार्रवाई पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ महेश कश्यप जी, प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा जावेद खान जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल महेश जी आपसे ही, जिस तरह से नक्सलियों पर कार्रवाई हो रही है और शुरुआत की गई है, क्या इस अभियान की शुरुआत नक्सलियों के सफाई के लिए की गई है और पूरी तरह से जब तक सफाया या सरकार को जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक ये कार्रवाई जारी रहेगी या अभी शुरुआत है इसलिए ये शुरुआत है? प्रियंका जी, जी भारतीय जनता पार्टी का उदय इस देश में हुआ तब से नक्सलवाद आतंकवाद अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला पार्टी और उसके खिलाफ शुरू से रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से आज नक्सलवाद जो छत्तीसगढ़ में दिखता है, 80 के दशक में नक्सलवाद का उदय हुआ बस्तर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में, और दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी का सरकार रहा है और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के
बढ़ावा देने के कारण उनको उनके पोषण करने के कारण नक्सलवाद बढ़ता रहा। लेकिन 2001 में छत्तीसगढ़ का गठन होने के बाद 2003 में भारतीय जनता पार्टी का सरकार आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में शासन भारतीय जनता पार्टी का आया, उसके बाद लगातार आतंकवाद के खिलाफ नक्सलवाद के खिलाफ हमारा लड़ाई जारी रहा और आगे भी जारी रहेगा। लेकिन कांग्रेस के लोग जब हमारे पिछले हमारे 16-17 में पूरे दुनिया के लोग मान रहे थे कि नक्सलवाद बस्तर से खत्म हो जाएगा जिस प्रकार से हमारा सरकार के माध्यम से अभियान चलाया जा रहा था, लेकिन यही कांग्रेस के लोग प्रशासन के ऊपर पुलिस विभाग के ऊपर कई आरोप लगाया गया जिसके चलते नक्सल ऑपरेशन नक्सल विरोधी अभियान कहीं ना कहीं थोड़ा ठंडा पड़ने लगा और बहुत सारे अधिकारी को बदलना पड़ा। और उसके बाद 2018 में कांग्रेस पार्टी का सरकार छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना और कांग्रेस पार्टी के लोग 5 साल लगातार दावा करते रहे कि नक्सलवाद हमारे शासनकाल में खत्म हो गया, हम खत्म करने जा रहे हैं। लेकिन इससे स्पष्ट होता है कि नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ, इन्होंने नक्सलवाद क्योंकि उनके सांठगांठ होगा इसलिए दबा के रखा गया। नहीं, लेकिन, लेकिन, लेकिन महेश जी आप भी जिस तरह से दावा कर रहे हैं 15 साल में यदि आप इस बात का दावा कर रहे हैं कि आपने उसे जड़ से निकाल के खत्म कर दिया तो फिर 5 साल में एकदम से इस तरह से कैसे पनप गया? जिस तरह से घटनाएं आ रही हैं दोबारा आपको कार्रवाई करनी पड़ रही है। हमारे साथ जावेद खान जी भी बने हुए हैं। जावेद खान जी जवाब दीजिएगा इस पर। नमस्कार आपको, आपके सभी दर्शकों को, प्रियंका जी और साथी प्रवक्ता को भी मेरा नमस्कार और वरिष्ठ पत्रकार जी को भी मेरा नमस्कार। देखिए 15 साल छत्तीसगढ़ में सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही 2003 से लेकर के 2018 तक। 2003 में जो नक्सलवाद था छत्तीसगढ़ के केवल 2 जिले तक ही सीमित था, 2018 तक इसे बढ़ते बढ़ते 18 जिलों तक पहुंचाने का कार्य रमन सिंह जी की सरकार ने किया और नक्सलवाद की धमक राजधानी तक दिखने लगी थी, यह बात किसी से छुपी नहीं है। अगर पिछले 5 साल की बात की जाए तो स्वयं केंद्र सरकार ने यह माना है और यह केंद्र सरकार ने संसद में यह कहा है कि छत्तीसगढ़ के अंदर भूपेश बघेल जी की सरकार में 65% से भी ज्यादा नक्सलवाद गतिविधियों में कमी आई है और यह बात कर रहे हैं कि कांग्रेस पनपाई और कांग्रेस इसको लेकर क्या आई। हमारा इनसे से केवल एक ही चीज कहना है, नक्सलवाद के दंश से ना कांग्रेसी बचे ना भारतीय जनता पार्टी के नेता बचे। कई भारतीय जनता पार्टी के नेता भी शहीद हुए हैं और कांग्रेस की पूरी एक लेयर जीरम में शहीद हुई है। इसका दर्द यह भी जानते हैं, हम भी समझते हैं। हमने जो सामाजिक पुलिसिंग के माध्यम से नक्सल प्रभावित गांवों में जो ग्रामीणों का विश्वास जीतने का कार्य किया जिसकी वजह से आज नक्सलवाद को धकेलने में हम कामयाब हुए। घटनाएं हो रही है, छुटपुट घटनाएं हो रही है, पर लेकिन हमने भी यह नहीं कहा कि पूरी तरह से हमने नक्सलवाद को खत्म कर दिया, लेकिन 65% नक्सल घटनाओं में कमी आई जब केंद्र सरकार ने कहा। तो हमारा इनसे यह निवेदन है कि जावेद खान जी घटनाएं हुई लेकिन आपके एजेंडे में नहीं था ना। मनीष बोरा जी भी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं। मनीष बोरा जी, जिस तरह से हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, बीजेपी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मंडों का काम कर रहे हैं। एक बताते 15 साल में इसे फैलाया गया है तो दूसरे का कहना है कि पिछले 5 सालों में कहीं ना कहीं से पल्लवित और पोषित किया गया है। जिस तरह से घटनाएं चुनावी काल में देखने को मिली हैं और इससे पहले भी तमाम जो घटनाएं हुई हैं नक्सलवाद की वजह से, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? दोनों ही तरफ से दोनों ही पार्टियां, दोनों की सरकारें रही हैं, नाकाम तो रही हैं। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि उन्होंने 65% कमी की है इसकी घटनाओं में, कितनी सच्चाई है? मनीष जी अनम्यूट बटन को चेक करिएगा, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं रही। हेलो जी, आ रही है आपकी आवाज। जी अपनी बात रखिए। जी देखिए, नक्सली जो वो है उसमें सीधे तौर से राजनीतिक प्रतिबद्धता से ऊपर उठ करके काम करने की आवश्यकता है और जिस तरीके की बातें दोनों दल कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं, देखिए निश्चित रूप से चीज ये है कि नक्सलवाद का खात्मा
केंद्र और राज्य दोनों के सामंजस्य के साथ में होगा। और इसके साथ साथ वो क्षेत्र जहां पर नक्सलवाद की धमक दिखती है, जहां पर उन क्षेत्रों के भी जो प्रदेश हैं, जो लगे हुए प्रदेश हैं, उनको भी साथ में मिलाकर के ज्वाइंट ऑपरेशन जब चलेगा तब नक्सलवाद का पूरी तरीके से खात्मा होने की संभावना है। लेकिन हम राजनीतिक चश्मे से देखते रहेंगे और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे तो निश्चित रूप से आम जनता नक्सलवाद से जो है त्रस्त रहेगी और उससे उसको मुक्ति नहीं मिल सकती। हमें इससे ऊपर उठने की आवश्यकता है कि 15 साल में क्या हुआ और आपने 4 साल में क्या किया, ये तो निश्चित रूप से जनता के सामने है और जनता ने उस पर अपना मत भी सबको दिया है। तो ऐसा है कि इन चीजों को समझना होगा, राजनीतिक परिदृश्य जो आपका प्रतिबद्धता है उससे ऊपर उठ करके इसके लिए काम करना होगा। और लगातार देखिए नक्सली घटनाएं अभी फिर से बढ़ने लगी है, चुनाव का जब से समय चालू हुआ उसके बाद से नक्सली घटनाओं में फिर से वृद्धि देखने को मिल रही है। तो इस बात को समझना होगा कि नक्सली कहीं ना कहीं जाकर मनीष जी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जिस तरह से सख्ती दिखाई और अभियान की शुरुआत की है, क्या आपको राजनीतिक मंशा दिखाई दे रही है? देखिए सीधे तौर पर मैंने कहा ना कि इसमें राजनीतिक मंशा जिस प्रकार से विष्णुदेव साय जी ने कहा, उसके बाद 11 नक्सली पकड़ लिए गए, आज मुख्यमंत्री बयान करते हैं दूसरे दिन 11 नक्सली पकड़ में आ जाते हैं, तो ये चीजें सतत चलने वाली प्रक्रिया। एक बार किसी सरकार के मुखिया ने यदि बयान दे दिया और उसके बाद कार्रवाई हो गई, उसको यदि हम पुलिस स्टॉप मान लें तो ये संभव नहीं है। नक्सलवाद एक ऐसी समस्या जिस पर लगातार काम करने की आवश्यकता है और ज्वाइंट ऑपरेशन चलाने की आवश्यकता है। केवल एक या दो घटनाओं से या एक बार कह देने भर से कोई चीज हो जाएगी, ये मुझे नहीं लगता है। इस पर सतत कार्य करना होगा। उसके साथ साथ जो वहां पर रहने वाले जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहां पर रहने वाले जो आम जनता है, वहां पर उनका विश्वास भी जीतना होगा, पुलिस को भी जीतना होगा, सरकार को भी जीतना होगा और इसके साथ साथ वहां पर विकास की जो धारा है उसको भी वहां पर तेजी से प्रवाहित करना होगा, तब जाकर के नक्सलवाद को हम समाप्त करने की बात कर सकते हैं। जी जावेद खान जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने शुरुआत की है, आपका कहना है आपने 65% कमी की थी, उसके बाद जिस तरह से चुनावी काल में घटनाएं देखने को मिली हैं, मुख्यमंत्री ने जिस तरह से शुरुआत की है उस अभियान की, ऐसे में कम से कम आप ये तो मानेंगे कि हाँ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद इस ओर ध्यान देने की शुरुआत की गई है? हाँ बिल्कुल प्रियंका जी, हम इसका स्वागत करते हैं। प्रदेश है, प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के प्रदेश की जनता को नक्सलवाद, आतंकवाद, उग्रवाद सबसे बचाने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी की होती है और उन्होंने इसको लेकर के पहल की है, तो इसका हम स्वागत करते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है और इसमें कहीं पर भी हम उनके ऊपर कोई तोहमत नहीं लगा रहे। हमारा यह कहना है, क्योंकि नक्सलवाद को दोनों ही पार्टियों ने झेला है और भी जो अन्य पार्टियां हैं उनके नेताओं ने भी झेला है और जो छत्तीसगढ़ की जनता है वो लगातार झेलती आ रही है। तो जिस तरह से हमने, केंद्र सरकार ने माना था कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार ने सामाजिक पुलिसिंग के माध्यम से नक्सलवाद को बहुत हद तक कंट्रोल में किया था, ग्रामीणों का विश्वास जीतने का कार्य किया था, वहां पर बंद पड़े 6000 से ज्यादा स्कूलों को फिर से शुरू करने का कार्य किया था, वहां पर विकास को पहुंचाने का कार्य किया था। देखिए 2018 से पहले पलायन की स्थिति थी बस्तर जैसे क्षेत्रों में, कम से कम 2018 से 2023 तक बस्तर के लोगों को पलायन नहीं करना पड़ा। नहीं लेकिन जावेद जी, जब तक इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं तब तक आप अपने अभियान को सफल तो नहीं कह सकते ना? देखिए आपने अभी वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा कि इसके लिए एक ज्वाइंट ऑपरेशन की आवश्यकता है, क्योंकि बस्तर जैसा क्षेत्र जो है 5 राज्यों से घिरा हुआ क्षेत्र है। नक्सली जब वारदात करते हैं, वारदात करने के बाद में अन्य राज्यों की सीमा पार करके चले जाते हैं और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की पुलिस प्रशासन के हाथ बंद जाते हैं, तो इसके लिए एक ज्वाइंट ऑपरेशन की आवश्यकता है। ज्वाइंट ऑपरेशन अगर लगातार मिलकर के, देखिए आपने अपने शो में एक टॉपिक भी दिया डबल इंजन की सरकार, 2014 से लेकर के 2018 तक भी डबल इंजन की सरकार थी। अगर उस समय, इस बहुत लंबा समय होता है, 4 साल का समय होता है 2014 से 2018 तक, अगर डबल इंजन की सरकार कार्य की होती तो नक्सलवाद का खात्मा निश्चित तौर पर हो गया होता, झीरम जैसी घटनाएं नहीं होती। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ये कहती है ना टारगेट किलिंग होती है, हम तो इनसे डरते हैं। जवाब दीजिएगा जावेद जी, एक तो आपकी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, दूसरी बात ये कि डबल इंजन की सरकार एक बार फिर आपको मिली है दोनों ही जगह पर शासन काल में। प्रियंका जी, कांग्रेस पार्टी के शासन काल में इन्होंने बताया कि 65% नक्सलवाद खात्मा कर दिए और कम हुआ है, लेकिन पांच साल के अंदर देखेंगे और खासकर चुनावी जब चुनावी मोड़ आने लगा
तो हमारे महेश जी, ये हमने नहीं कहा, केंद्र सरकार ने कहा कि 65% की कमी आई है, ये हम नहीं कह रहे हैं। संसद में गृह मंत्रालय के द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा यह कहा गया चीज है, ये हम नहीं कह रहे थे। और छत्तीसगढ़ की जनता ने इसे महसूस भी किया, जिस तरह से लगातार पलायन रुका, जिस तरह से गांव के गांव को जलाया जा रहा था वो बंद हुआ, जिस तरह से कोटा केबिन जैसे में रहने के लिए ग्रामीण मजबूर हो रहे थे वो सारी चीजें बची, और जिस तरह से नक्सलवाद के नाम पर आप लोगों ने 6,000 से ज्यादा स्कूलों को बंद कर दिया, उसे फिर से खोलने में सफलता हमने हासिल की। उसके अलावा अगर 2023 के चुनाव की अगर आप बात तो 134 से ज्यादा नक्सल प्रभावित गांव में हम ट्रेनिंग कराने में सफल हुए हैं, यह उपलब्धि है ये सरकार की। आप इसे स्वीकार करिए, इसे आगे बढ़ाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। ये कहे नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ है, नक्सलवाद अभी साइलेंट मोड में है, नक्सलवाद खत्म हो गया हम नहीं कह रहे हैं, हमने कभी नहीं कहा नक्सलवाद खत्म हो गया। हम तो ये कह रहे हैं कि हमने जो कार्य किया, हमने जो कार्य किया उसे आप आगे बढ़ाए, इसे आप आगे बढ़ाए, नक्सलवाद जैसी समस्या कांग्रेस के लोगों से मिटाए। महेश जी, महेश जी, महेश जी, महेश जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हत्या कराने में आप महेश जी, महेश जी सवाल सुन लीजिए, महेश जी पहले सवाल सुन लीजिए, महेश जी, महेश जी, जिस तरह से मनीष बोरा जी का कहना है कि एक तो राजनीतिक मंशा भी चाहिए, दूसरी तरफ जिस तरह से केंद्र और राज्य सरकार के ज्वाइंट ऑपरेशन से इस पर धार देकर काम किया जा सकता है और अभियान की सफलता को भी कहीं ना कहीं सुनिश्चित किया जा सकता है। पहले की यदि हम बात भी करें तो पहले यदि गलती हो भी गई तो अभी एक बार फिर से आपकी डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने शुरुआत की है, क्या आप इस बात की जनता को, छत्तीसगढ़ की जनता को आश्वासन देना चाहेंगे कि डबल इंजन के सरकार के द्वारा लगातार काम किया जाएगा और इसे जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सतत प्रक्रिया जिसकी आवश्यकता है उसकी मंशा आपकी पार्टी रखती है? प्रियंका जी, निश्चित ही अभी जावेद जी बोल रहे थे कि डबल इंजन का सरकार इनका 2014 से 2018 के बीच में रहा। आपको बता दूं, ये 2014 और 2018 के बीच में जो अभियान चल रहा था नक्सलवाद, हमारे जगदलपुर, क्योंकि जावेद जी भी जगदलपुर के रहने वाले हैं, हमारे नानगुर एरिया से लेकर दरबार क्षेत्र में भी नक्सलवाद का विस्तार हो गया था, वहां से खत्म हो गया था। और इस प्रकार से जावेद जी तो कह रहे हैं कि आपने कुछ किया ही नहीं, कुछ किया होता तो उन्हें करना नहीं पड़ता। अरे तो हमने भी प्रशासन के साथ कई कार्यक्रम में हमने भी भाग लिया। इस प्रकार से नक्सलवाद खात्मे की ओर बढ़ रहा था, पूरे दुनिया के लोग मान रहे थे कि नक्सलवाद खत्म होगा, लेकिन उसी समय कांग्रेस के लोग आरोप लगाने लगे पुलिस के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, और मानव अधिकार आयोग के बहाने हमारे जो बड़े अधिकारी लोग जो उनके ऊपर दबाव बनाने लगे, जिसके चलते नक्सल अभियान एक प्रकार से हमको शिथिल हो गया, मतलब उस समय रोकना। महेश जी, आपकी सरकार काम करेगी, उसे विपक्ष प्रभावित कर सकता है क्या? ऐसे आपकी सरकार की मंशा भी तो होनी चाहिए ना। देखिए, हमारा सरकार तो काम करेगी और अभी भी करेगी, पहले भी कर रही थी। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी आपकी सरकार काम कर रही है, अगर कल को कांग्रेस प्रदर्शन करना शुरू कर देगी तो आपका काम एक बार फिर से ठप हो जाएगा? नहीं नहीं, कांग्रेस का चरित्र वही है, कांग्रेस वही करेगी कि पुलिस के द्वारा आदिवासी उसको हत्या हो गया, निर्दोष लोग को मारा गया, निर्दोष लोग को जेल भेजा गया, ये आरोप लगा के नहीं, पर सरकार आपकी, प्रशासन आपका, पुलिस आपका, कार्रवाई आपको करनी है, विपक्ष इसमें क्या? विपक्ष यदि जनता के बीच में जाकर कुछ प्रचार करता भी है तो उससे आपकी कार्रवाई पर क्या असर पड़ेगा? मनीष जी के पास मैं आऊंगी, मैं आपके पास आती हूँ। प्रियंका जी, हमारे सरकार कार्रवाई करेगा, लेकिन किसके माध्यम से करेंगे? पुलिस प्रशासन के माध्यम से या कि आईजी? नहीं, पर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के आरोप लगाने की वजह से आपके अधिकारियों को आपको बदल देना पड़ा, आपकी कार्रवाई ठप हो गई, मनीष जी इस बात पर क्या कहना है आपका? सरकार की मंशा है, सरकार के हाथ में प्रशासन है, सरकार के अंडर पुलिस है, ऐसे में क्या विपक्ष के प्रचार और दुष्प्रचार करने से सरकार की कार्रवाई पर कोई असर हो सकता है? मनीष जी, फोन को अनम्यूट करिएगा एक बार फिर से। जी, आवाज आ रही है आपको? जी, देखिए, आपकी नियत यदि साफ है, आपकी मंशा अच्छी है, अच्छी नियत से आप काम करना चाहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि विपक्ष उसमें कहीं कोई रोड़ा अटका सकता है।
ठीक है, विपक्ष जाकर के आप पर आरोप लगा सकता है, लेकिन उन आरोपों का जवाब भी आप दे सकते हैं, जो आपने किया है उसको जनता के सामने रख सकते हैं और जनता तय करे कि सही क्या है गलत क्या है। लेकिन इस बात को यदि आप कहें कि हम विपक्ष की वजह से हमने उस अभियान को रोक दिया, तो ये मुझे कतई सही नहीं लगता है। यदि सीधे तौर पर आप कार्रवाई कर रहे थे, उस कार्रवाई की वजह से नक्सली यदि बैकफुट पे जा रहे थे, तो निश्चित रूप से जब कोई बैकफुट पे जाएगा तो उसके अगेंस्ट में क्रियाशील प्रतिक्रिया सीधे तौर पर होती है। जब आप किसी को खत्म करने का प्रयास करेंगे तो वो उतनी ही तेजी से आपके ऊपर हमला करेगा। तो वही वहां पर भी हो रहा था, जैसे जैसे नक्सलवाद को खत्म करने का, उनको एक क्षेत्र में सीमित करने का प्रयास हो रहा था, उसी हिसाब से नक्सली लगातार घटनाओं को अंजाम भी दे रहे थे अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए। और जिस बात को जावेद खान जी कह रहे थे कि घटना करके दूसरे प्रदेशों में चले जाना, तो उसके लिए उस समय एक कंबाइंड कमेटी बनाई गई थी जो इसको लेकर के पूरा नक्सल ऑपरेशन जब होते थे तो उसमें जो आसपास के जो प्रदेश थे उनके साथ में मिलकर के एक ऑपरेशन चलाया जाता था। तो इस प्रकार की चीजें होती थी। और उसमें जब देखिए जो विरोध हुआ था, जहां तक मुझे ध्यान है, तो सलवा जुर्म करके एक आंदोलन भाजपा के शासन में चालू हुआ था, जिसमें जो आदिवासी थे उन्ही लोगों ने नक्सलियों के खिलाफ एक अभियान चलाया था जिसका नाम सलवा जुर्म दिया था और सरकार ने उसका समर्थन भी किया था। उसको करके कांग्रेस जो है बहुत तेजी से आक्रामक हुई थी। आक्रामक होने के बाद उसने ये कहा था कि सीधे तौर पे सरकार जो है वो आदिवासियों को बंधक बना रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, निर्दोष ठीक है जी जावेद जी, इस तरीके की तमाम चीजें उस समय उठी थी। लेकिन उसके बाद भी अभियान जब वो चल रहा था, और जो बात करें डबल इंजन की सरकार की, देखिए सरकार अभी भी डबल इंजन की है, और मुझे लगता है केंद्रीय गृह मंत्री जी भी जब यहाँ पर आए थे उन्होंने भी इस बात को कहा था कि हम नक्सलवाद का खात्मा करना चाहते हैं। और जी बिल्कुल जावेद जी, जावेद जी का नेतृत्व आदरणीय महेंद्र शर्मा जी कर रहे थे, वो प्रियंका जी, प्रियंका जी देखे ये कह रहे हैं महेश कश्यप जी के विपक्ष ने दबाव बनाया तो हमने कार्यवाही बंद कर दी। ये कहते हैं कि मानवाधिकार ने दबाव बनाया इसलिए हमने कार्यवाही बंद कर दी। अरे भैया, अगर आप पाक साफ हो जिस चीज को लेकर के विपक्ष अगर आपके ऊपर दबाव बना रही है या सवाल पूछ रही है, तो आपका फर्ज क्या बनता है? जवाब देना। चाहे बेला भाटिया का मामला हो, चाहे सोनी सोरी का मामला हो, चाहे स्वामी अग्निवेश का मामला हो, चाहे सलवा जुर्म का मामला हो, अगर सरकार जनता महेश जी जवाब दीजिएगा, जावेद खान जी के सवाल का जवाब दीजिए। आपके पोषित नेता लीडर हैं, और आज भी मैं एक चीज कहता हूँ, आज भी हम खुले दिल से स्वागत करते हैं, हम मुख्यमंत्री जी के साथ खड़े हैं नक्सलवाद खात्मे के लिए। वो जो ठीक है महेश जी आपका जवाब नाम ले रहे हैं, पांच साल कहा गए थे नक्सली घटना नहीं हुआ क्या महेश जी? सरकार अब आपकी है, डबल इंजन की सरकार है, मौका है आपके पास, समय मेरे पास नहीं है, लेकिन दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप पढ़ने की बजाय यदि आप अपना काम करेंगे और काम के बल पर यदि आप साक्ष्य रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मैं देना चाहूंगी, महेश जी, जावेद जी और मनीष जी, आप तीनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में नई सरकार ने, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं नक्सलियों को लेकर सख्ती दिखाने का काम किया है, अब देखना यह है कि डबल इंजन की सरकार में जिस तरह से गृहमंत्री ने भी दावा किया था, यह अभियान जो शुरू किया गया है, यह अभियान क्या एक बार फिर से जो शुरुआत कर रहा है नक्सलियों को जड़ से उखाड़ पाने में कामयाब होता है या नहीं। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में, खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।